मथुरा थाना गोवर्धन थाने के बस स्टैंड के सामने उर्मिला सदन नामक गेस्ट हाउस में जहां 15 दिसंबर की शाम को एक महिला और एक व्यक्ति आकर रुके थे। महिला का नाम प्रेमवती, पत्नी रामप्रसाद, गांव तारसी कठुमर राजस्थान ने एक रूम लिया था और 16 दिसंबर बुधवार की सुबह चाय को कहकर गेस्ट हाउस संचालक से मेन गेट का दरवाजा खुलवाकर महिला गायब हो गई। जब काफी देर बाद जब महिला वापस नहीं आई तो गेस्ट हाउस संचालक को कुछ शक हुआ। उसने गेस्ट हाउस के रूम को जिसमें वह व्यक्ति और महिला रुके थे खोलकर देखा तो वह व्यक्ति बेड पर मरा हुआ मिला, जिसकी सूचना गेस्ट हाउस संचालक ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और संचालक द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि यह महिला पूर्व में भी कई बार उनके गेस्ट हाउस में आ चुकी है। घटना ये घटित हुई है सुबह 6:15 बजे करीब। मैंने गेट खुला है, मेन गेट खुला है। मैंने सफाई वफाई की है, वो लेडीज बाहर से कुंदी लगा के वो चाय लेने के लिए कैसे वो निकल के चली गई। अब वो 10-15-20 मिनट के बाद वो आई नहीं। मैंने देखा कि ये कहाँ गई, अभी तक लौटी नहीं, चाय आधा घंटा हो गया। तो फिर मैंने गेट बजाया, गेट की कुंदी खुल के देखा तो वो सब मेरे कंडीशन में पड़ा। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को कितने दिन में सुलझा पाती है और वह गायब क्यों हुई, कौन थी वो महिला। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मौके पर आईपीएस अनिरुद्ध कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और उनकी टीम मौजूद रही। एनबीसी न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।